हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपको यूट्यूब पे अच्छे खासे व्यूज़ लाने हैं तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे खासे थंबनेल बनाने पड़ेंगे। क्योंकि YouTube की दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है थंबनेल, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो थंबनेल देख के ही क्लिक करते हैं और उनके क्लिक पे ही हमें व्यूज़ मिलता है। तो हम कैसे अट्रैक्टिव थंबनेल बनाएं कि लोग ना चाह के भी हमारे वीडियो पे क्लिक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे थंबनेल बनाएं जिससे कि आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ आ सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और सर्च करना है पिक्सल लैब, PIXELLAB, पिक्सल लैब, ठीक है। हम इसको सर्च करेंगे तो हमारे सामने पिक्सल लैब आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से कर लेना है इंस्टॉल। अगर हमारा इंस्टॉल है तो हम कर लेंगे ओपन, ठीक है। जब हम ओपन कर लेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली हमें करना क्या है, हमें थ्री डॉट पे कर देना है क्लिक। उसके बाद इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद हमें कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद हमें यूट्यूब चैनल बैनर पे कर लेना है ओपन। 2560x1440 पे हमें कर लेना है ओके, ठीक है। मतलब हम जब यूट्यूब बैनर पे हम क्लिक करेंगे तो 2560 और 1440 ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वो ले लेता है, ठीक है। अभी जो हमारा स्क्वायर साइज है वो बिल्कुल थंबनेल के साइज़ का है, ठीक है। तो अब हम इसमें टेक्स्ट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे YouTube थंबनेल बनाना सीखें, ठीक है। YouTube थंबनेल बनाना सीखें, ये हमने लिख दिया। YouTube चैनल थंबनेल बनाना सीखें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से स्क्रॉल करेंगे ना तो हमारे को यहाँ साइज़ मिल जाएगा। हम इससे इस तरह साइज़ बढ़ा सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कर देते हैं प्लस, ठीक है ओके। उसके बाद हम कर देते हैं ओके। उसके बाद हम यहाँ से कलर भी ले सकते हैं, कोई सा भी कलर, ठीक है। यहाँ से हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं हमारे पास, तो हम यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर लेंगे, ठीक है। फॉन्ट हमें जो रखना होगा A to Z, यहाँ से जो भी हमें अच्छा लगेगा, हमारे ऊपर डिपेंड है, वो हम इसका यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर हमें कर्व करना है तो कर्व का मतलब होता है रोटेट, पूरा घुमा देना, ठीक है। अगर नहीं घुमाना है तो वैसे ही रहने दो आप, ठीक है। बैकग्राउंड देना है तो हम यहाँ से बैकग्राउंड दे देंगे, और नहीं देना है तो वैसे ही रहने दो। उसके बाद हम स्ट्रोक करते हैं। स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रोक क्या होता है कि जो है हमारा टेक्स्ट होता है उसके आउटर लाइनिंग देता है, ठीक है। अब इसको एनेबल कर देते हैं तो आउटर आ जाएगा। आउटर में भी हम कई तरीके का जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें 3D में देना है तो हम यहाँ से 3D कर देंगे तो हमारा 3D में हो जाता है। हालांकि हम 3D कर देते हैं, ठीक है। और हमें ज़्यादा 3D टेक्स्ट में करना है रोटेट, तो हम इस पर 3D पे क्लिक करके हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, हालांकि हमें करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस के निशान पर आएंगे, यहाँ से एक फ़ोटो लेंगे जो हमें फ़ोटो यहाँ पर लगाना रहेगा, ठीक है। हम यहाँ से हल्का सा इसको क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। क्रॉप करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा इरेज कलर, ठीक है। जब इरेज कलर हम एनेबल कर देंगे तो वो सारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। इरेज हो जाएगा, ये देखिए ये इरेज हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कलर भी, इसको इसके कलर को भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। और अगर इसमें भी हमें स्ट्रोक लगाना है तो हम स्ट्रोक लगा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक को हम कर देते हैं एनेबल, ठीक है। स्ट्रोक हमारा एनेबल हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि अब हमें फिर से टेक्स्ट लगाना है, तो हम एक निशान पे आएंगे और यहाँ से टेक्स्ट वाला ले लेंगे और लिखेंगे एडिट पे जाके 120 प्लस व्यूज़, ठीक है। हम इसको कर देंगे ओपन, और उसके बाद सेम हम वर्क यहाँ भी करेंगे। यहाँ से हम साइज़ ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से साइज़ ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद अगर हमें फॉन्ट को कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कलर ले लेंगे कोई सा, हालांकि हम कलर नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से फॉन्ट कोई सा भी हमें चेंज करना हो तो हम यहाँ से ले लेंगे, हालांकि हम ये ले लेते हैं, सबसे लास्ट में है ये, ठीक है। हम ले लेते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हम बैकग्राउंड
कर लेते हैं कलर में, ठीक है। अगर हमें जो भी करना हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रॉपर, मैं अपने तरीके से नहीं बता रहा हूँ कि मैंने जैसे किया वैसे ही आपको करना है। आपको जिस तरह के बनाना है आप उस तरीके का बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं बैकग्राउंड भी नहीं लेता हूँ। अगर हमें शैडो लेना है शैडो ले सकते हैं, शैडो एनेबल करते हैं तो इस टाइप का आ जाता है, ठीक है। हमें शैडो भी नहीं लेना है, तो 3D लेना है हमें 3D भी नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको अगर थंबनेल बनाना है तो आप इसी टाइप का कर सकते हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरे तरीके का बनाना बिल्कुल डिक्टू, नहीं ऐसा नहीं। आपको जैसा समझ आए आप वैसा बनाना, लेकिन इस तरीके का बनाना जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई सा भी कलर कर सकते हो। यहाँ एडिट में जब आप आएंगे ना, एडिट में जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप एप्लीकेशन यूज़ किए हो, एडिट किए हो, तो आपको सारा A to Z यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देख लो आप, मेरा मतलब आपको समझाना है, ना कि जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा आपको बना के दिखा देना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप पिक्सल लैब में अच्छे तरीके से और एट्रैक्टिव थंबनेल बनाएं, ठीक है। और अगर हमें एरो देना है, ठीक है, हमें एरो देना है, तो हम ए के बगल में एक आइकॉन आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें एरो का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। हम यहाँ से कोई सा भी एरो हम चूज़ कर सकते हैं, नीचे दे रहा है ना, हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना दिल चाहे आपको बोल्ड भी कर लो यहाँ से, ठीक है, प्लस माइनस करके, ठीक है। यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं और नीचे से हम इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा देना, ताकि हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहे और यूट्यूब की नॉलेज आपको होती रहे।